ये काट दिए हमने लहसुन के पत्ते और ये हो गई हमारी मिर्च। अब हम गरम प्रिपरेशन, जीरा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो फिर थोड़ा ज़्यादा दिया है। इसको हेल्दी बनाएंगे हम थोड़ा, तो इसमें थोड़ा अजवाइन भी डालेंगे। ड्राई तो इसमें आवाज आने लग गई है क्रैकिंग की। फ्लेम करेंगे हम ऑफ। डालेंगे स्वाद में, अब इसमें डालेंगे हम मिर्ची। मिर्ची काफ़ी होनी चाहिए इसमें। अब डालेंगे इसमें ढेर सारे पत्ते, आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। और वाला मेरा बड़ा जार ख़राब हो रखा है तो हम इसी में बनाएंगे आज। अब इसमें डालेंगे हम नमक, लौंग है इस नमक में तो पता चलेगा, एक दो लौंग है, वो नमक इसमें काफ़ी चलेगा। तो ये जो बचा वाला था ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा आयुर्वेदिक नमक भी बन जाता है तो ये हो गया ओवरफ्लो। इसको करेंगे शिफ्ट, करेंगे कांच के जार में शिफ्ट, इससे इसकी लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। थोड़ा इसको स्टोर करके आप फ्रिज में भी रख सकते हो, इसका पराठा बना सकते हो आप, तो वो भी मैं रेसिपी डालूंगी जल्दी। और आजकल है फ्रूट्स चाट बनाने का, तो गढ़वाली में हम बनाते हैं इससे चाट, नींबू, ऑरेंज और संतरा, उन सबको काट के और ये बनता है हमारा फ्रूट चाट, इससे यम्मी। तो ये हमारी खटाई की जान होती है ये वाला नमक। तो बन गया हमारा पहाड़ी नमक, हरी मिर्ची का, तो ये बन गया पहाड़ी नमक बिन मिर्ची के। तो होप आपके ये पसंद आया होगा पहाड़ी लूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शुभ दिन आपका, मंगलमय, बाय।